फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो ये वीडियो आपकी इनकम को बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। जैसा कि आपको पता है कि आज की जो फैशन है ट्रेंड में चल रहा है वो लेडीज पैंट का फैशन बहुत ज्यादा है, और लेडीज पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सही तरह से होना बहुत जरूरी है, तभी उसका लुक सही आता है। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत है आपके चैनल स्टाइलन में, जहाँ हम कटिंग और स्टिचिंग सीखते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ लेडीज पैंट कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूले के साथ डिटेल में। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैंट कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में थोड़ा सा अलग कटिंग करेंगे हम, क्योंकि ये जो पैंट हम बनाने वाले हैं इसमें इलास्टिक नहीं यूज करेंगे, विदाउट इलास्टिक होगा, सिर्फ बेल्ट ही हम यूज करेंगे पूरे पैंट में। तो एक फॉर्मल पैंट की तरह ही हम इसको बनाने वाले हैं साइड जिप के साथ। तो इस पैंट को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और 2 मीटर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके इसको बिछा लिया है। इस पेपर में बताते हैं कैसे कपड़े को बिछाया है। मान लीजिए ये हमारा 2 मीटर लंबाई है, इसको हमने इस तरह से चौड़ाई की तरफ से फोल्ड किया, 2 फोल्ड, ठीक है। इसका जो खुला पार्ट है वो इधर मेरी साइड होना चाहिए और ये बंद वाला पार्ट इधर की साइड। सेम ऐसे ही हमने रखना है इसको, जैसे ये कपड़ा है ऐसे हमने इसको रखा, ऐसे ही मैंने इस कपड़े को भी बिछा दिया है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने चौड़ाई की तरफ से इसको डबल फोल्ड कर लिया। सबसे पहले यहाँ हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इधर हमने 1/2 इंच का निशान लगाना है। अब फ्रेंड, सबसे पहले हमें लगाना है लंबाई का निशान। तो देखिए, ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे 1/2 इंच का, इस निशान से 1.5 इंच हम इस तरह से बाहर की तरफ रखेंगे इंच टेप को, ठीक है। देखिए, मैंने बाहर रख दिया है और फिर हम फुल लेंथ लगाएंगे अपने पैंट का। तो मुझे चाहिए तैयार 35 इंच और उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई के लिए, नीचे की फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड करना है। जैसे मेरे केस में है 32 इंच मेरी कमर है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो यहाँ से ये जो निशान लगा हुआ है हमारा, यहाँ से हमने 8 इंच को इस तरह से लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आगे के टक्स लगाने हैं जो ऊपर प्लेट देंगे, तो वो मैं प्लेट देने वाली हूँ 1-1 इंच का। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने प्लेट्स के लिए ले लिया और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। अब यहाँ हमें आसन का निशान लगाना है। तो पैंट का आसन निकालने का फॉर्मूला है 1/4 ऑफ हिप प्लस 1.5 इंच, 2 इंच या 2.5 इंच, ठीक है। तो जितना भी आपका हिप है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए पहले, और उसमें प्लस 1.5, 2 या 2.5 इंच आपको करना है। किस तरह से करेंगे, जैसे मेरे केस में है यहाँ पे 36 इंच हमारा हिप है, 36 का चौथा हो गया हमारा 9 इंच, ठीक है, प्लस उसमें मैं 2 इंच करूंगी, टोटल हो गया 11 इंच। मीडियम साइज के पैंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्लस में 2 इंच करना है, जो हमारा फॉर्मूला है हिप का चौथा प्लस 2 इंच या 1.5 इंच या 2.5 इंच, और अगर हेल्दी इंसान है तो आप उसमें 2.5 इंच आप प्लस में करिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने 2 इंच प्लस किया तो आया हमारा 11 इंच। 11 इंच में से हमने 1.5 इंच को माइनस कर लेना है बेल्ट का। तो 1.5 इंच को मैं इस लाइन से ऐसे बाहर निकालते हुए, देखिए ऐसे बाहर निकालते हुए, तो ऐसे निशान लगाऊंगी 11 इंच पे। अब यहां से हमने लेना है 2.5 इंच। अब यहाँ पे आसन का कर्व लगाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हल्का सा हमें आसन का कर्व देना होता है, ज्यादा गोलाई में आप बिल्कुल भी मत दीजिएगा, नहीं तो आसन खींचेगा आपका। अब यहाँ पे यहाँ से और इस निशान तक के जो बीच की दूरी है, इन दोनों का आधा लगाना है हमें। तो देखिए कितना है इसका, 11 12.5, 12.5 का आधा होता है 6.25 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो हमने 6.25 इंच लगाया है, इसको थोड़ा नीचे करके भी लगाएंगे बीच में एक, और इस लाइन से ही हमें निशान को लगाना है, ठीक है। जो ये निशान है 6.25 इंच यहाँ लगा दिया, और जो हमारी लेंथ है यहाँ पर भी हमने इस तरह से 6.25 इंच लगाया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे इस निशान से हमने लगाना है 5 इंच के निशान, यहाँ तक हम लगाएंगे अपना टक्स जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ऐसे करके। अब हमें यहाँ पे बॉटम का निशान लगाना है। तो
टोटल बॉटम की जो गुलाई है हमारी वो है 12 इंच, 12 का आधा होता है 6 इंच, तो 6 इंच को हम इस तरह से लगाएंगे। ये जो सेंटर वाली लाइन है इस लाइन से 3 इंच उधर इधर की तरफ और 3 इंच इधर की तरफ लगाएंगे, देखिए ऐसे। अब इस निशान से हमें 1 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाना है। सो फ्रेंड्स, इस निशान को और अपने इस निशान से मिलाना है, तो इस निशान को मिलाने के लिए मैं ये कर्व स्केल यूज कर रही हूँ। तो इस स्केल को इस तरह से यूज करना है, देखिए ऐसे, और इस पर ऐसे रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से जब हम स्केल को यूज करते हैं तो बिल्कुल फिटेड का पैंट जो है हमारा तैयार होता है। और अगर इस स्केल को आप इस तरह से यूज करते हैं, देखिए ऐसे थोड़ा सा बाहर की तरफ कपड़ा निकलता है ऐसे, तो ये थोड़ा सा लूज पैंट को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके कस्टमर की डिमांड कैसी है, उनको लूज चाहिए या टाइट चाहिए, उसी हिसाब से आपको कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से हमने किया, और इस निशान को इस निशान से मिलाना है ऐसे। और यहाँ पे आधा आधा इंच ऐसे मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे, और यहाँ पर भी आधा आधा इंच मार्जिन रखते हुए हमने कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये वाली स्केल ना हो तो आप कैसे इसका निशान लगाएंगे, देखिए इंच टेप को इस तरह से आप इन दोनों निशानों पर ऐसे सीधा रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, और एक सीधी लाइन आप खींच देंगे। सीधी लाइन जब हम करते तो देखिए हमारे ये लाइन इस तरह से आएगी, ठीक है। यहाँ पे जब ये लाइन आपकी सीधी आ जाएगी तो इधर से आधा आधा इंच आपको अंदर की तरफ रखते हुए निशान लगाना है, और इसको ऐसे कर्व में निशान लगा देना है। आधा आधा इंच अंदर की तरफ लोगे ना तो ये इसी तरह के निशान बन जाएंगे, और सेम आपको इधर भी ऐसे ही करना है। दोनों निशानों को इस तरह से मिलाइए इंच टेप की मदद से, देखिए सीधा अगर हम करते हैं तो ये वाली लाइन हमारी ऐसी बनती, और आधा आधा इंच देखिए बिल्कुल आधा इंच ही है, और आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए फिर हम इसकी ऐसे शेप दे देंगे, ठीक है। थोड़ी मेहनत है लेकिन अच्छे से हो जाएगी आपके बिना स्केल से भी। तो अब आधा आधा इंच मार्जिन दोनों साइड रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने पहले ही आधा इंच ऐसे छोड़ रखा है, अब इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करना है अपनी कटिंग करना। सो फ्रेंड्स, कटिंग हमने कर ली है, और कपड़े को आगे की तरफ इस तरह से रख करके ये वाला जो पार्ट है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो कपड़ा है इसको हम इसे मैच कराएंगे, ठीक है, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए यहाँ पे, और सेम हमने इसको देखो इस तरह से कर लिया है। अब फ्रेंड्स, ये जो पैंट है हमारा, ये होगा हमारा सिर्फ बेल्ट वाला पैंट, इसमें इलास्टिक हम यूज नहीं करेंगे, तो पीछे वाले पर्दे पे हम लूजिंग नहीं ले सकते, ठीक है, नहीं तो कमर से हमारा ये पैंट लूज हो जाएगा और अच्छा फिटिंग नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो निशान है यहाँ तक ही रहने देंगे इस निशान को, और यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर इस तरह से निशान लगाना है। इस 1.5 इंच को इस निशान से हम मिलाएंगे, और फ्रेंड्स इस लाइन से इधर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ, ये मीडियम साइज का है, अगर आपको हेल्दी इंसान के लिए बनाना है तो यहाँ पे आप 2.5 इंच रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें गैपिंग चाहिए, यहाँ पे हिप साइज आता है हमारा, तो हिप की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गैप अच्छे से चाहिए होता है कपड़ा उठने बैठने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ लगा लिया, इस निशान को देखिए ऐसे करके, और इस तरह से हम लेके जाएंगे, और इसके साथ ही ला करके ऐसे मिला देंगे, ठीक है, कटिंग करते टाइम। और ये हमारा फिटेड पैंट है, देखिए ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा बड़ा है इधर हमारा नहीं होना चाहिए, हम क्या करेंगे ऊपर से लेकर के जितना आपके घुटना आता है, ठीक है, घुटने की लंबाई आपकी जितनी भी हो आप उतने पे लेंगे, जैसे कि इसमें है 19 इंच, देखिए ऐसे। अब ये लाइन यहाँ पे आपस में मैच हो जानी चाहिए, इस तरह से,
इस तरह से हम जब कटिंग करते हैं तो ये जो लूजिंग होती है वो हमारे घुटने से ऊपर वाले हिस्से में ही रहती है, जैसे हमारी थाई, हमारे हिप, वहाँ पर ही ये लूजिंग रहेगी। नीचे हमारे जो पैर होंगे वो बिल्कुल एकदम फिटेड आएगा हमारा पैंट और अच्छी फिटिंग आएगी। ठीक है, तो बस इतने ही चेंजेस इसमें करने होते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। अब जो टक्स के ये निशान लगाए ये हम हर पर्दे पे लगा लेंगे। देखिए इस तरह से आगे और पीछे दोनों जगह लगेंगे ये टक्स, क्योंकि जो हमने ये एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पर टक्स के लिए 1 इंच आगे वाले पर्दे पे, तो सेम हमारा वो कपड़ा पीछे वाले पर्दे पर भी आ चुका है। और वो जो पीछे का कपड़ा अगर हम टक नहीं लगाएंगे तो लूज हो जाएगा और कमर से हमारी ये पैंट लूज रहेगी। ठीक है, तो दोनों जगह लगाना है हमें। देखिए यहाँ से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे कितने इंच पे रखना है। तो इस तरह से हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। जो कपड़ा बचा है उसमें से हम बेल्ट निकालेंगे, पॉकेट निकालेंगे और जिप लगाने के लिए कपड़े। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट्स को लेंगे और इनके आसन को इस तरह से स्टिच करेंगे हाफ हाफ इंच मार्जिन रखते हुए। सो फ्रेंड्स, सेम इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी रेडी करना है। आसन और टक्स उसके भी लगा लेने हैं। सो फ्रेंड्स, बैक पार्ट पे आसन और टक्स हमने लगा लिए हैं। अब हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है। तो ये मैंने आगे वाले पर्दे को लिया है। तो देखिए जब हम इसको इस तरह से सीधा करके रखते हैं तो ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड को आएगा। सो राइट हैंड को मैं पॉकेट लगाऊंगी और लेफ्ट साइड हमारा जिप लगेगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो में आप बने रहिए। अब हम सबसे पहले पॉकेट लगा लेते हैं। पॉकेट लगाने के लिए मैंने एक फैब्रिक कट किया है, देखिए ऐसे मैंने, और इसको डबल करके रखा है। पॉकेट के लिए हमें मेजरमेंट देखिए कितना चाहिए। लंबाई इस पॉकेट के लिए मैंने 13 इंच रखी है और चौड़ाई देखिए डबल में मैंने इसको 6.5 इंच रखी है। ठीक है, 6.5 इंच में एक सूत ज़्यादा ही है तो 6.5 रखना है आपको। अब इस तरह से हमने रख लिया। अब इस पॉकेट में ऐसे एक शेप देना है इस तरह से गोलाई में और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा जो पैंट है इसको लेंगे हम फ्रंट पार्ट को और इस तरह हमने सीधा करके रख लिया है इसको। अब यहाँ पर हमने पॉकेट वाला कपड़े को इस तरह से रखना है, देखिए ऐसे, और इसको सीधा करेंगे और 1/2 इंच ऐसे हम जगह छोड़ेंगे ऊपर सिलाई के लिए, क्योंकि हम यहाँ बेल्ट जोड़ेंगे। उसके नीचे हमने 6 इंच का निशान लगाना है ऐसे, और इस तरह से 1/2 इंच पे देखिए मार्जिन रखते हुए यहाँ से 1/2 इंच लिया है और इधर से 1/2 इंच, ये देखिए 1/2 इंच लिया है और इसको हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक हम एक स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे जहाँ हमने सिलाई को एंड किया है वहाँ पे एक कट लगाएंगे, देखिए इस तरह से जहाँ हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था मैंने कट लगा दिया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर हम एक प्रेस सिलाई चला देंगे, सिर्फ इसी के ऊपर जहां हमने फोल्ड किया है कपड़े को। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉकेट को स्टिच करना है तो हम पॉकेट को इस तरह से लेते हैं और अब देखिए इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और इस तरह से हम रखते हुए इसको, बराबर करते हुए रखेंगे नीचे से, और जो हमने ये शेप दिया है इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो शेप दिया है यहाँ तक,
पॉकेट को हम देखिए सीधा कर लेंगे। इस तरह से और इसको सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको देखिए ऐसे सेट करेंगे। पॉकेट को ऊपर से हम सेट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पे स्टिच कर देंगे, जिससे पॉकेट का कपड़ा हमारे पैंट के कपड़े के साथ अटैच हो जाए और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाए। अब देखिए नीचे जो हमने लगाना है यहाँ पर भी इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। तो पहले पॉकेट को अपने आप सेट होने देंगे। यहाँ पे लूजनेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉकेट का लुक अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे आराम से आप रहने दीजिए। अब यहाँ से हम स्टिच करना शुरू करेंगे। तो हमने जो ये पॉकेट के लिए यहाँ पर ओपनिंग के लिए जगह बनाई है, इसको छोड़ते हुए जस्ट इसके नीचे इस नीचे वाले कपड़े पे हम स्टिच लगाएंगे और यहाँ से अटैच करते हुए आएंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसके जस्ट बगल में हमने इस वाले कपड़े पे स्टिच लगाया है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आगे का पार्ट है, तो हमने इसको ऐसे रखना है। अब इसके साथ हमने अपना दूसरा पार्ट अटैच करना है। तो देखिए हमने पीछे वाले पार्ट को लिया है, ये सीधा साइड करके रखा है। तो सीधे को सीधे की तरफ से ऐसे मिलाते हुए हम पीछे के पार्ट को मिला देंगे। ऐसे मिलाएंगे पहले, ठीक है। और जिधर हमें जिप लगाना है उधर साइड हमने स्टिच करना है। तो जिप हमें लगाना है लेफ्ट साइड। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए नीचे से बॉटम पार्ट को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमें जिप लगाना है। तो हमने सिलाई को देखिए यहाँ रोक दिया है, और जिप लगाने के लिए हमें यहाँ से जहाँ हमने सिलाई को रोका है वहाँ से हमें 7 इंच दूरी पे ऐसे ही छोड़ना है जिप के लिए। तो देखिए यहाँ से मैंने 7 इंच लिया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ हमारा आता है 7 इंच, बिल्कुल प्रॉपर उसी जगह पर छूटा है। तो उसको यहाँ पर लॉक लगा के निकाल लेंगे हम सिलाई को। फ्रेंड्स, जिप लगाने के लिए मैंने इस तरह से सिंगल फुटर वाला पैर लिया है, ठीक है। अब हम अपने जिप पर भी निशान लगाएंगे 7 इंच पर। तो देखिए ऊपर से 7 इंच जहाँ आता है आप निशान लगा लीजिए। अब इसके बाद हमने अपने पैंट को इस तरह से लेना है सीधा करके, और यहाँ पे हमें आगे वाला हिस्सा लेना है, जो आगे की तरफ वाला पार्ट है उसको हम ऐसे ओपन करके रखेंगे। एक पट्टी लेंगे देखिए इस तरह से, ठीक है। 1.5 या 2 इंच आप पट्टी रख सकते हैं, और जितना हमारा ये हमने ओपन रखा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ही कपड़ा लेंगे 1.5 इंच। 7 लिया है तो आप 9 इंच तक का ले सकते हैं इस पट्टी को, ठीक है। और इसको हम इस तरह से देखिए स्टिच करेंगे। अब इस पट्टी को देखिए इस तरह से हमें मोड़ना है, ठीक है, और एक सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, पट्टी को हमने इस तरह से मोड़ के रख लिया है। अब हम अपने जिप लेंगे और देखिए इस पट्टी को ऐसे मोड़ना है। तो हमने इस तरह से अब इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से इस पट्टी को लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये वाली जो कुंदा है इसका है तो मशीन नहीं चल पाएगी। तब क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे नाप लेंगे पहले, तो ओवरलैप होकर के कहाँ तक आता है और ये इस तरह से आएगा। तो अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे और इतने ही ओवरलैप करते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हमने स्टिच कर लिया है, तो अब जिप को हम बंद कर देंगे जिससे हमारी जो सिलाई है वो इजीली इधर से लग सके। तो इस तरह से हमने ये वाले पार्ट को फोल्ड करके लगाना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने लगा लिया। अब हम जेब को लगा करके देखते हैं कहीं से स्टिच तो नहीं हो गई है कपड़ा। ये ओवरलैप हमने जो किया है एक्स्ट्रा में, ये वाला कपड़ा ऐसा होना चाहिए, तभी ये जिप जो है वो हाइड हो जाएगी। अब इस पर जब हम प्रेस कर देंगे, देखिए हाथ से ही कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये बिल्कुल प्रॉपर हो गया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए आगे वाला पार्ट है और ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। तो पीछे वाले पार्ट को हमने लगाना, एक पट्टी हम इस पर लगाएंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह से एक पट्टी ली है और इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। अब देखिए इसको कैसे हमने ऐसे रखना है, ठीक है, इस तरह से मोड़ करके रखेंगे हम और यहाँ पे हम इस पर सिलाई लगाएंगे। हाफ हाफ इंच मैंने इसको छोड़ दिया है इधर, ठीक है। तो अब देखिए, और फ्रेंड्स इसकी लंबाई भी हमें देखिए हमारी जिप से थोड़ी सी बड़ी रखनी है, 8.5-9 इंच की आप रख लीजिएगा लंबाई में। और इसके ये वाले जो किनोरी है यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब ये वाली पट्टी हमने लेना है और इधर की साइड पक्का वाला साइड है और इधर हमारे कच्चा साइड है। और यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई है, देखिए ये वाली सिलाई जस्ट इसी के ऊपर एकदम इस जिप को रखते हुए हमें सिलना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा बराबर हो चुका है और अब मैं इसको नीचे से सिलूंगी क्योंकि मेरे पास सिंगल फुटर है और वो इधर की साइड वाला है। तो ये ऐसे ही हमें करना है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कपड़े को बिल्कुल वैसे ही सेट करूंगी। देखिए सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, जब मैं इसको स्टिच कर रही थी तो इसकी जो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई है, कैमरा बंद हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो देखिए मैंने इस तरह से स्टिच किया है जैसे मैं आपको बता रही थी और यहाँ तक अब एक स्टिच मैंने लगाई थी। तो अब देखिए यहाँ तक ऐसे स्टिच लगाया, उसके बाद मैंने बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से स्टिच करते हुए मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है, इतना ही हुआ है। सो हम जिप को लगा के देखते हैं इसकी फिनिशिंग। देखिए कितने अच्छे से हमने इसको अटैच किया है और इस तरह से हमारी ये जिप कंप्लीट हो गई है। अब इस पैंट का दूसरा साइड भी हम इसको अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने पॉकेट बनाया था तो पॉकेट का ये ओपनिंग है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे हम स्टिच करेंगे तो ध्यान रखना है कि ये जो हमने पॉकेट के लिए ओपनिंग बनाई है ये बंद ना हो जाए। तो इसलिए जो हमने ये स्टिच लगाई है पीछे वाले पॉकेट वाले कपड़े पे, तो इसके ऊपर हमने स्टिच को चलाना है। देखिए ऐसे, सो फ्रेंड्स अब हमें अपने पैंट पर बेल्ट लगाना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें टोटल बेल्ट लगेगा, इसमें हम इलास्टिक यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कंप्लीट एक साथ जॉइंट कर लिया है अपने पैंट को। और बेल्ट के लिए इस तरह से एक बुकरम लेना है। तो बुकरम की चौड़ाई मैंने रखी है 1.5 इंच, ठीक है, और बुकरम की जो लंबाई रहेगी वो टोटल हमारे जो कमर है उससे हमें 6 या 7 इंच एक्स्ट्रा में रखना है, कम बिल्कुल भी नहीं रखना। तो जैसा कि 32 इंच टोटल हमारी कमर है, तो देखिए मैं इसमें रखूँगी 32 और यहाँ पे देखिए 6.5 इंच एक्स्ट्रा में है, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक पट्टी लेनी है। तो पट्टी की चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंच, देखिए इसकी लंबाई मैंने अपने बुकरम से बढ़ा कर ही रखी है और जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा हम उतना ले लेंगे। सो पट्टी को हमने इस तरह से रखना है और अपने बुकरम को देखिए ऐसे रखना है और 1/2 इंच मैं इस तरह से मोड़ के इस पर स्टिच लगा रही हूँ, एक एक पैर की दूरी रखते हुए। अब हमें अपना पैंट लेना है। तो पैंट का जो उल्टा साइड है इस तरह से लेंगे और उल्टे की तरफ से ही हमें अटैच करना है। तो सबसे पहले देखिए हम जिप पर निशान लगा लेते हैं 1/2 इंच का, जो हमारा मार्जिन रहेगा जिससे दोनों जिप हमारे बराबर से हमने लेनी है। देखिए इस तरह से हमें इतना इतना मार्जिन रखना है। तो इस तरह से हमने उल्टा कर लिया है पैंट को और उल्टे की तरफ से हमने अपना बेल्ट अटैच करना है और कम से कम इतना हमने कपड़े को बाहर रख करके
तीन से चार इंच हम बाहर रख देंगे। तो देखिए ऐसे मैंने बाहर रखते हुए इसको स्टिच करनी है। तो फ्रेंड्स हमने कंप्लीट बेल्ट को लगा लिया है। अब इसको हम इस तरह से सीधा करके पैंट के सीधे साइड लेके आएंगे। अब हम अपने बुकरम को देखिए इस तरह से मोड़ करके बेल्ट को स्टिच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स बेल्ट पे पूरे पे हमने स्टिच कर लिया है। बेल्ट हमारा प्रॉपर एकदम अच्छे से तैयार है। आप चाहो तो जो हमने पहले एक सिलाई लगाई थी उसको उधेड़ भी सकते हो, और वैसे भी दो सिलाई भी बहुत अच्छी लग रही है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें अपना हुक लगाना है यहाँ पे। तो देखिए जो सीधे हाथ के साइड आएगा यहाँ पे हमने लगाना है ये वाला हुक, ठीक है, ये लगाना होता है। तो इस वाले लाइन से जहाँ हमने ये ख़त्म किया है हमारा बेल्ट प्रॉपर है, वहाँ से आधे इंच की दूरी पे, आधे पौन इंच की दूरी पे आपने इसको इस तरह से लगाना है। तो देखिए ऐसे हमने लगाना है, और इसके साथ लगाने के लिए ये आता है तो इसको लगाना होता है हमें। अब इस तरह से मोड़ लिया हमने। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसको क्या करेंगे, स्टिच कर देंगे। देखिए ऐसे। सो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे ये वाली हुक लगानी है। तो देखिए जो हमने ये पट्टी लगाई है इसके बिल्कुल बीचों बीच ऐसे यहाँ पे हमने ये हुक लगाना है। तो देखिए इधर वाली पट्टी जो खुली हुई है यहाँ पर भी हम स्टिच करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, जिससे ये अच्छे से अटैच हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल अटैच हो गई है अच्छे से हमारी, और इधर की तरफ भी हमें ये जो एक साइड खुला हुआ है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जिप और हुक लग चुकी है बेल्ट के साथ। अब हमें अपना बॉटम पार्ट कंप्लीट करना है। तो बॉटम पार्ट में हमने जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा में लिया था उसको ऐसे फोल्ड करके, ठीक है, और फिर हम अपने बॉटम पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। सो फ्रेंड्स बॉटम पार्ट हमने दोनों फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इसकी फाइनल स्टिच करेंगे जो कि है हमारी ये वाली आसन वाली। तो एक बार हम क्या करेंगे, इस स्टिच को करने से पहले हम चेक करेंगे कि ये बिल्कुल प्रॉपर है या नहीं। देखिए कई बार कई सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, आसन आपस में मैच नहीं होते हैं, ठीक है, या पर्दा कोई छोटा बड़ा हो जाता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे हम चेक करके। तो देखिए हमारा तो बिल्कुल प्रॉपर आया है हर जगह से, ठीक है, तो हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स स्टिच हमारी लग गई है और एक बार हम क्या करेंगे इसे खींच करके देख लेंगे, कोई अगर हमारी सिलाई चटक रही है तो उसको हम सही कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब इस पर हम डबल सिलाई लगा देंगे। सो फ्रेंड्स पैंट हमारा कम्प्लीटली हमने स्टिच कर लिया है बहुत ही अच्छे से। अब हम इसके इंटरलॉक करेंगे जहाँ पर भी इसके ओवरलॉक की ज़रूरत है इसको, ठीक है, कम्प्लीटली कर लेंगे। अब उसके बाद मैं पहन के आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये बना है। तो चलिए, सो फ्रेंड्स दिस इज़ द फाइनल लुक। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।